पेपर सेटर को नॉन इंजीनियर्स की तरफ थोड़ा सा बायस है। 7 दिन रह गए, हम यही चीज पे ध्यान देंगे तो आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे अगर मेरी बात सुनेंगे तो। ओके, तो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन बोर्ड। टुडे वी गोना टॉक अबाउट हाउ टू क्रैक 90 परसेंटाइल अबव इन लास्ट 7 to 8 days, लास्ट 7 days और 10 days, जब भी आप वीडियो देख रहे हो, लास्ट 7 दिन में के क्वांट की कट ऑफ कैसे क्लियर करनी है और 90 परसेंटाइल कैसे लेके आना है। बहुत सिंपल बात है, मैं हमेशा बोलता हूँ ये दो टॉपिक में आपको गॉड बनना है, एक है अरिथमेटिक और एक है ज्योमेट्री। कैट का अरिथमेटिक प्लस ज्योमेट्री इज अप्रोक्सीमेटली 17 क्वेश्चन आउट ऑफ 34 क्वेश्चन इन कैट। आई रिपीट, 17 क्वेश्चंस आउट ऑफ 34 क्वेश्चंस इन कैट। तो भाई ये बहुत ही बड़ा नंबर है। अगले जो आपके पास 7-8 दिन रह गए, उस 7 दिन में आप ये दो टॉपिक को प्रायोरिटाइज देंगे और इसके अंदर भी प्रायोरिटाइज करिए, सारे टॉपिक लिखिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मिक्स्ड एलिगेशन, स्टार्ट करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन से, यू नो वो एक बिल्कुल एवरेजेज वाला, मिक्सचर्स वाला। तो ये पूरे पूरे लिस्ट लिखो और उसके बाद क्वेश्चंस लिखो, इसके अंदर से कितने क्वेश्चन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस हर साल कैट में 2 से 3 सवाल आने ही आने, मिक्स्ड एलिगेशन हर साल 1 सवाल आना ही आने। आगे चलते हुए अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क की, 1 या 2 सवाल आने ही आने, विच आर ऑलवेज ऑलवेज ईजी। Arithmetic is such a topic in CAT which is always easy in CAT. I have never seen any CAT in my life in the past 10 years where a question from these topics are out of the world. Why? For one simple reason, like topics like PNC probability, jis bachche ne nahi padha hua hai 12th ke andar, usko wo nahi aata hai topic. ठीक है, पेपर सेटर को नॉन इंजीनियर्स की तरफ थोड़ा सा बायस है तो इसलिए वो क्वांट के अंदर ये वाले टॉपिक सबने पढ़े हुए हैं आपने 8th 9th के अंदर, तो ये टॉपिक आते हैं। नंबर वन, आप क्या करेंगे, 3 घंटे पढ़ेंगे, 3 घंटे एक ही टॉपिक लेके बैठो, सॉल्व करो। जो लोग पुरानी पढ़ाई कर रहे हो, गो टू योर मॉक। सपोज करो आज मैंने दिन बनाया कि आज मेरा टाइम स्पीड डिस्टेंस का दिन है, आज मैं कैट के अंदर 2 या 3 जो क्वेश्चन आने वो 3 questions क्रैक करने की तैयारी करूंगा। मैं क्या करूंगा, आई पिक अप माय बेसिक बुक, रिवाइज ऑल द फॉर्मुले, राइट इन माय नाइस डायरी, उस डायरी के अंदर मैं अच्छे से लिखूंगा एंड देन आई एम गोना मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मॉक। मॉक के अंदर बैठूंगा, आपने जितने भी मॉक दिए 2, 4, 8, 10 उसके अंदर जितने भी टाइम स्पीड डिस्टेंस क्वेश्चन है उन सबको लिखूंगा और हर क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या क्या फॉर्मूला बुक, क्या 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 नए फॉर्मूले बने उसको रिवाइज करूंगा और शाम तक बोलूंगा हाँ बेटा हो गया अपना टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये 2 questions मैंने बैग में डाल दिए एंड आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो ऐसे टॉपिक वाइज करना है आपको, टाइम फिट डिस्कस कर लिया, कल टाइम एंड वर्क करो तो अगले 4-5 दिन में यू विल बी सेलिंग इट थ्रू। ज्योमेट्री के लिए यू कैन नॉट स्पेंड मोर देन अ डे और मैक्सिमम 2, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन बोथ, ट्राइंगल्स और सर्कल के सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे। ट्राइंगल और सर्कल ऐसी चीज है जिसके 3 या 4 questions हमेशा आते हैं, मेंसुरेशन भी अबाउट 2 से 3 questions आते हैं। तो ज्योमेट्री अलोन इन कैट 2017, 16, 15 हैड अबाउट 6 to 8 questions ऑफ ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री भर भर के आती है। पेपर सेटर इज स्लाइटली बायस टूवर्ड्स ज्योमेट्री, ये भी नॉन इंजीनियर्स का थोड़ा फिगर विगर बना होता है इसके अंदर, तो नॉन इंजीनियर्स को थोड़ा प्रॉम्प्ट करने के लिए ज्योमेट्री इज मोर एनालिटिकल रादर देन अ क्वांट विच इज लाइक मैथमेटिकल बेंट ऑफ माइंड, नंबर सिस्टम एक्सेट्रा, वो हम बाद में बात करेंगे। 7 दिन रह गए, हम यही चीज पे ध्यान देंगे और तो क्या बताया मैंने आपको, अरिथमेटिक पे ध्यान देंगे, ज्योमेट्री पे ध्यान देंगे, मेंसुरेशन पे ध्यान देंगे। मेंसुरेशन के अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया वाले क्वेश्चन अगर आप सारे सॉल्व कर सकते हो, दैट्स वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ कैट, और वॉल्यूम के जितने भी फॉर्मूले होते हैं कोन का, सिलेंडर का, वो भी आप देख सकते हैं। मेंसुरेशन करेंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस पे ज्यादा ध्यान देंगे, टाइम एंड वर्क पे ज्यादा ध्यान देंगे और मिक्स्ड एलिगेशन पे ज्यादा ध्यान देंगे। ये 3 topics यहाँ से हो गए और तुम्हारे टॉपिक हो गए मेंसुरेशन और ज्योमेट्री। एक और टॉपिक अगर आपको समझता है तो कर सकते हो, फंक्शंस। फंक्शंस बहुत ही ईजी टॉपिक होता है, लोगों को आता नहीं है, टीचर अच्छे से पढ़ाते नहीं है। अगर आप फंक्शंस के अंदर आराम से सॉल्व कर सकते हो, वैल्यू पुट करना होता है, कोई भी कैट का अगर उठा के देख लो भाई, उसके अंदर वैल्यू पुट करके फंक्शंस करना पड़ता है, 1 या 2 आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एंड दिस अरिथमेटिक, ज्योमेट्री एंड फंक्शंस टुगेदर इज समवेयर अराउंड 19 क्वेश्चंस, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्री इज अराउंड 17 क्वेश्चंस, तो आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे अगर मेरी बात सुनेंगे तो। सो दिस इज अ क्विक प्लान फॉर यू गाइस टू स्टडी फॉर द नेक्स्ट 1 week एंड गेट 90% इन कैट एंड इन क्वांट्स। सो ऑल द बेस्ट, मैंने और बहुत सारे वीडियो किए विच इज हाउ टू क्रैक 90% वर्बल DILR, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे पर आवर आपको लगा and get set go. Thank you so much for joining in guys. Hope you guys enjoying this CAT daily series. अगर आप enjoy कर रहे हो, do drop in a comment for sure. और मेरा verbal Wednesday भी आ रहा है next Wednesday को, मजे करेंगे, which is going to be the last my workshop. And a goodbye to all of you. We'll get some people from I am Ahmedabad, I am Bangalore, I am Calcutta and meet you guys as well. Thank you so much for joining in. All the best. Bye. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from CAT King.